गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट क्लास 8। आज आप लोगों का इस चैप्टर का पार्ट 2 पढ़ना है। पार्ट 1 वीडियो प्रोवाइडेड किया जा चुका है, पहले पार्ट 1 देख लीजिएगा तो पार्ट 2 आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, पार्ट 1 में हम लोग पुर्तगीज के बारे में पढ़ाए थे कि फर्स्ट पुर्तगीज वास्को डी गामा आए थे, वे कैसे ट्रेडिंग किए थे और कैसे वे सारे यूरोपियन वे ट्रेडिंग सेंटर से इंटरेस्टेड होने लगे और इंडिया के साथ ट्रेड करने लगे। उसी तरह आएंगे कि डच के बारे में, तो डच भी सेकेंड ट्रेडर्स थे जो इंडिया में आए। कहा जाता है डच का जो मॉडर्न नेम है वह क्या है, नीदरलैंड एंड होलैंड है। डच इंडिया में कब आते हैं तो 1602 में आते हैं और इनका एम क्या होता है, ट्रेड करना। वे अधिकतर ट्रेड क्या चीज़ का करते हैं तो वे क्लॉथ्स का ट्रेडिंग करते हैं। अब आते हैं, इनके द्वारा एक कंपनी इस्टेब्लिश किया गया, उस कंपनी का नाम था डच यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आप याद रख सकते हैं कि डच यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी कब इस्टेब्लिश किया गया तो 1602 में। ठीक है, ये भी कंपनी क्या करती थी कि सब सारे ट्रेडिंग सिस्टम को कंट्रोल करती थी एज ए ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर। तो कहा जाता है किसी भी ट्रेडिंग को अगर अच्छे से ट्रेडिंग करना है तो उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना नीड होता है, क्योंकि जब तक आप एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना पाते तो आप अच्छे से ट्रेडिंग को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अब आइए देखिए फिर से इनका ट्रेडिंग सेंटर कहाँ पे था। तो पुलिकट, सूरत, चिंसूरा, कासिम बाजार, पटना, बालसोर, कोचीन, नागापट्टनम, इटीसी, वे सभी जगह ट्रेडिंग सेंटर था। एज ए ट्रेडिंग सेंटर कहने का मीनिंग है कि डच यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी का छोटा छोटा ब्रांच था जो पूरे इंडिया में भी अपने छोटा छोटे कंपनी इस्टेब्लिश किए हुए थे और वहीं से वे क्या करते थे, पूरे इंडियन मार्केट्स पे वे कंट्रोल करते थे, वे क्लॉथ्स का और गन पाउडर का। वे मेनली जो वे ट्रेड करते थे वे क्लॉथ्स का ट्रेडिंग करते थे और गन पाउडर का ट्रेडिंग करते थे, स्पाइस का ट्रेडिंग करते थे। इस सब पूरे वर्ल्ड मार्केट में इसका डिमांड सबसे ज़्यादा था। तो चलिए यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब नीचे आते, कहा जाता है दे इंटरेस्टेड इन द आइलैंड ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया। वे इंडिया में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखे क्योंकि इंडिया में बहुत सारा कंपटीटर था और इनको जब कंपटीटर ज़्यादा होता है तो एक ट्रेडिंग का नियम होता है कि इसमें जो भी मर्चेंट होते हैं उनको बेनिफिट्स कम होता है और जहाँ पे कंपटीटर कम होते हैं वहाँ पे ट्रेडिंग पे इनका मोनोपोली होता है और इनका बेनिफिट्स ज़्यादा होता है। तो ट्रेड का एक ही अचीवमेंट होता है कि हम लोग कैसे मोर से मोर बेनिफिट अर्न करें। तो देखिए वे क्या करें, वे इंडिया में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं लिए और वे जो आइलैंड कंट्री था उसमें वे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लिए। आइलैंड कंट्री कौन कौन था, इंडोनेशिया और मलाया। मलाया को हम लोग क्या कहते हैं, मलेशिया कहते हैं। अभी न्यू नेम मलाया का मलेशिया है और इंडोनेशिया तो इंडोनेशिया ही है। तो चलिए इस तरह से वे क्या करते हैं, इंडिया में कंट्रोलिंग करते हैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन को और इंडिया में वे ज़्यादा अपने इम्पायर को इस्टेब्लिश नहीं कर पाते क्योंकि वे इंडिया में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं लेते हैं। और वे ज़्यादा इंटरेस्टेड कहाँ पे लेते हैं तो वे आइलैंड कंट्री में, जैसे इंडोनेशिया हो गया और मलाया हो गया। मलाया का भी प्रेजेंट नेम क्या है तो मलेशिया। अब आते हैं फिर से इसको रिकॉल कर लेते हैं, डच का न्यू नेम क्या है, मॉडर्न नेम। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि डच का न्यू या जो मॉडर्न नेम है वह नीदरलैंड या हॉलैंड है। केम इन इंडिया, वे इंडिया में कब आते हैं तो 1602 में। इनका एम क्या होता है ट्रेड का, वे मेनली एम क्या चीज़ का ट्रेडिंग करते हैं तो क्लॉथ्स का, लेकिन इसके साथ साथ दो और चीज़ का ट्रेडिंग करते हैं, गन पाउडर और स्पाइस का। इनके द्वारा एक कंपनी इस्टेब्लिश किया गया, उस कंपनी का नाम था डच यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आप याद रख सकते हैं कि डच यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी कब इस्टेब्लिश हुआ तो 1602 में। आएंगे ट्रेडिंग सेंटर कहाँ था, पुलिकट, सूरत, चिंसूरा, कासिम बाजार, पटना, बालसोर, कोचीन, नागापट्टनम, इटीसी। अब कहा जाता है वे अधिकतर इंटरेस्ट साउथ ईस्ट इंडिया आइलैंड कंट्री में रखे, जैसे इंडोनेशिया और मलाया।
इस तरह डच के बाद जो थर्ड पोजीशन पे आते हैं उनको कहा जाता है द ब्रिटिश। ब्रिटिश कब आते हैं? तो वे 1600 में आते हैं। तो याद रखिएगा कि ब्रिटिश 1600 में आते हैं। इनका भी एक एम क्या होता है? ट्रेडिंग करना। तो जितने भी ट्रेडर्स आते हैं यूरोपियन, जो सब में पावरफुल होते हैं, वे ब्रिटिश ही सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं और सबसे ज़्यादा क्लेवर है, क्योंकि वे सारा इंटरेस्टेड वे इंडिया में लगाते हैं। अब देखिए कंपनी, इनके द्वारा जो एक कंपनी स्टेब्लिश किया गया था उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। तब याद रख सकते हैं कि ब्रिटिश के द्वारा जो कंपनी स्टेब्लिश किया गया था उसका क्या नाम था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी। गॉट द ट्रेडिंग राइट, वे किससे ट्रेडिंग राइट लेते हैं? तो मुगल एम्पायर से, क्योंकि इंडिया में उस समय अगर कोई सबसे बड़ा एम्पायर था तो वह मुगल एम्पायर था। कहा जाता है इंडिया का 75% रीजन पे मुगल एम्पायर का कैप्चर था। तो वे ट्रेडिंग राइट किससे लेते हैं? तो मुगल एम्पायर से। उसके बाद फ्री ट्रेडिंग राइट किससे लेते हैं? तो मुगल एम्पायर के किंग रहते हैं, उनका नाम फर्रुख सियार रहता। फर्रुख सियार को सिर्फ क्या कहा जाता है कि 3000 पर ईयर हम आपको टैक्स देंगे, उसके तौर पे वे बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये 3 रीजन को ब्रिटिश क्या कर लेते हैं? अपने कैप्चर में ले लेते हैं। उस समय यह 3 रीजन काफ़ी फेमस रीजन था। उस समय इस 3 रीजन से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इनकम किसी भी किंग को होता था। और फर्रुख सियार क्या करता है कि यह 3 रीजन ब्रिटिशर्स को फ्री में दे देता है ट्रेडिंग के लिए, विदाउट टैक्स, सिर्फ 3000 पर ईयर टैक्स से। अब ब्रिटिश को सभी तरह की टैक्स से रियायत मिल जाता है और इसका बिजनेस जो भी रहता है मर्चेंट या ट्रेडिंग सिस्टम, वो बहुत ग्रोथ करता है, क्योंकि इसके पास कोई भी लिमिटेशन नहीं रहता है और किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं रहता है। इस ब्रिटिश के द्वारा जो फर्स्ट फैक्ट्री स्टेब्लिश किया गया था वह सूरत में किया गया था। अब कब किया गया था? तो 1612 में। इसी तरह से याद रखिएगा कि ब्रिटिश के द्वारा फर्स्ट फैक्ट्री कब स्टेब्लिश किया गया था? 1612 में। ब्रिटिश के द्वारा फर्स्ट फोर्ट बनाया गया था। वे फोर्ट क्यों बनाते थे? फोर्ट इसलिए बनाते थे कि वे अपने सोल्जर को रख सके, ब्रिटिश एम्पायर को प्रोटेक्ट कर सके, इसीलिए वे क्या करते थे? फोर्ट बनाते थे। तो ब्रिटिश के द्वारा जो फर्स्ट फोर्ट बनाया गया था उसका नाम एस्टी जॉर्ज था। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ब्रिटिश के द्वारा जो फर्स्ट फोर्ट बनाया गया था उसका क्या नाम है? तो एस्टी जॉर्ज है। और वे कहाँ पे बनाया गया था? तो वे मद्रास में बनाया गया था। मद्रास किसका न्यू नेम है, ओल्ड नेम है? तो चेन्नई का। तो याद रख सकते हैं मद्रास किसका ओल्ड नेम है? तो चेन्नई का। चेन्नई का मॉडर्न नेम, मद्रास का मॉडर्न नेम क्या है? तो चेन्नई। सेकेंड फोर्ट जो बनाया गया था वह फोर्ट विलियम बनाया गया था। और वे कहाँ पे बनाया गया था? तो कोलकाता में बनाया गया था। तो चलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हिस्ट्री यहाँ तक आपको समझाएं। अब आते हैं हम लोग फ्रेंच कंपनी के बारे में। तो थोड़ा देखिएगा फ्रेंच कंपनी कब इस्टेब्लिश हुआ? तो 1664 में। फर्स्ट कंपनी कहाँ पे लगाया गया? तो सूरत में लगाया गया। और सेकेंड कंपनी कहाँ पे लगाया गया? तो मसूलीपट्टनम में लगाया गया। और इसका हेड क्वार्टर कंपनी का कहाँ पे था? तो पुडुचेरी था। तब याद रख सकते हैं पांडिचेरी कंपनी का हेड क्वार्टर कहाँ था? पांडिचेरी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश कब हुआ? तो 1664 में। फर्स्ट कंपनी कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ? तो सूरत में। सेकेंड कहाँ पे हुआ? तो मसूलीपट्टनम में। उस समय गवर्नर कौन था? तो डोमास और डुप्लेक्स। आप याद रखिएगा उस समय गवर्नर कौन था? तो डोमास और डुप्लेक्स गवर्नर था। और उनका फैक्ट्री कहाँ पे लगाया गया? तो चंद्रनगर बंगाल में पड़ता है, वहाँ पर इनका फैक्ट्री लगाया गया। और दूसरा फैक्ट्री कहाँ पर, और फिर अनदर रीजन में फैक्ट्री कहाँ लगाया गया? माहे कहाँ पे पड़ता है? तो केरला में। तो याद ऐसे रख सकते हैं इनका अदर रीजन में भी फैक्ट्री लगाया गया, तो चंद्रनगर कहाँ पड़ता है? बंगाल। उसके बाद माहे कहाँ पे पड़ता है? केरला। इस सभी रीजन में वे अपने फैक्ट्री को इस्टेब्लिश किए। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि ब्रिटिश
और फ्रेंच कैसे कन्फ्लिक्ट हुए, यानी ब्रिटिश फ्रेंच कैसे कन्फ्लिक्ट हुए और इसमें ब्रिटिश कैसे सुपीरियर बनता है, इसके बारे में बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट थर्ड में हम आपको प्रोवाइड करेंगे। डैट्स ऑल।